यहाँ पे 120 लगभग है और 117 का यहाँ पंजीकरण। पिछले साल से मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मैं छुट्टी भी नहीं ली। विद्यालय में टॉयलेट बनाई गई थी जिसकी हालत मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए क्या हालत है इसकी। कितने बच्चे पढ़ते हैं आपके कॉलेज में? क्या शिकायत है? शिकायत है मैम, मेरे स्कूल में कोई भी। कितने टाइम से नहीं है? बच्चों को यहाँ पे पढ़ा जब 2023 से 24 खत्म होना आ गया, अभी तक कोई टीचर इसमें नहीं है और मैडम अकेली यहाँ पढ़ाई करा रही है। तीन टू क्लास है, 6, 7, 8। जहां सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, वहीं दूसरी ओर जनपद बिजनौर की नगर पंचायत जलालाबाद के पूर्व माध्यमिक कन्या विद्यालय में इंचार्ज अध्यापिका के अलावा कोई अध्यापक ही मौजूद नहीं है। 120 बच्चों को यही अध्यापिका पढ़ा रही हैं और उनका पढ़ाने में सहयोग बच्चे खुद अध्यापक बनकर कर रहे हैं। आपको बता दें कि पूर्व माध्यमिक कन्या विद्यालय जलालाबाद में कक्षा 6, 7, 8 व कंप्यूटर कक्षा स्थापित हैं। विद्यालय में वर्तमान में 120 छात्राएं शिक्षा ग्रहण करने आती हैं, मगर अध्यापक न होने की वजह से बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। 120 बच्चों पर एक ही अध्यापिका नियुक्त हैं, इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का कोई स्टाफ नियुक्त नहीं है। न ही जलालाबाद की चेयरपर्सन जो कि एक महिला हैं, उन्हें भी अपने क्षेत्र की बेटियों की चिंता नहीं है और न ही अधिकारियों को कोई चिंता है। इंचार्ज अध्यापिका द्वारा अधिकारियों को बताया गया है, फिर भी अभी तक किसी अध्यापक की नियुक्ति नहीं की गई। पूर्व माध्यमिक कन्या विद्यालय जलालाबाद की स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है कि यहाँ साफ पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, टॉयलेट की टोटियाँ टूटी हुई हैं, छात्राएं शौच के लिए जाएं तो जाएं कहाँ जब शौचालय में पानी की व्यवस्था ही नहीं है। नगर पंचायत में सफाई कर्मी कभी कभी सफाई करने के लिए आती है। क्लासरूम का लिंटर और बिल्डिंग का लिंटर इतना ख़राब हो चुका है जो कभी भी गिर सकता है। इंचार्ज अध्यापिका नाजिश परवीन ने बताया कि स्कूल के पड़ोसियों ने आप चक में अपने दरवाजे खोल लिए हैं और बच्चों के लिए यहाँ किसी तरह की कोई सिक्योरिटी का इंतज़ाम अभी तक नहीं है। रात के समय आवारा लड़के यहाँ शराब और नशे का सेवन करने आ जाते हैं। इंचार्ज अध्यापिका नाजिश परवीन बताती हैं कि 2006 में यहाँ 9 अध्यापक थे जिसमें 6 टीचर और 3 अनुदेशक थे। उसके बाद धीरे धीरे कुछ अनुदेशक तो यहाँ से छोड़ते चले गए और कुछ का ट्रांसफ़र हो गया, कुछ का रिटायरमेंट हो गया। अगस्त 2023 से यहाँ कोई टीचर मौजूद नहीं है। विद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं के परिजनों ने अपने बच्चों के भविष्य को अंधकार में जाता देख अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए अध्यापक या अनुदेशक की नियुक्ति करने के लिए गुहार लगाई है। साथ ही विद्यालय की बिल्डिंग व शौचालय की भी बहुत ही दयनीय स्थिति है। एक शौचालय नगर पंचायत जलालाबाद की ओर से विद्यालय में बनाया गया था, परंतु वह भी अभी तक अधूरा ही है और ना ही आज तक उसमें पानी की व्यवस्था की गई है। पानी की समस्या को देखते हुए दानिश शेख ने अपने खर्चे पर पानी की व्यवस्था कराई और इसकी जानकारी भीम आर्मी पार्टी के मंडल अध्यक्ष दानिश शेख द्वारा इसकी शिकायत उच्च पदाधिकारियों को भी की गई है, परंतु इस समस्या का अभी तक कोई भी समाधान नहीं हुआ है। साथ ही बच्चों के माता पिता द्वारा सांसद जी को अवगत कराने के लिए ज्ञापन सौंपा गया है। उम्मीद है सांसद चंद्रशेखर आज़ाद भी यह मुद्दा संसद में उठाएंगे। देखिए बिजनौर एक्सप्रेस के साथ साकिब जैजी की यह रिपोर्ट। क्या नाम? मेरा नाम नाजिश परवीन है। 2006 में मेरी पोस्टिंग हुई थी, उस टाइम यहाँ पे 9 अध्यापक थे और जिसमें 6 टीचर और 3 अनुदेशक थे। उसके बाद धीरे धीरे कुछ अनुदेशक तो यहाँ से छोड़ के चले गए, एक का ट्रांसफ़र हुआ और एक इंग्लिश की मैडम थी सरिता मैडम, उनका ट्रांसफ़र हुआ। बाकी 3 अध्यापकों का, एक आजम सर थे वो हेडमास्टर थे यहाँ पे, उनका रिटायरमेंट हुआ। विमला मैडम कितने साल से जो यहाँ पर अध्यापक नहीं है? अभी बता रही विमला मैडम, उन्हीं के साथ में रिटायरमेंट हुई। फिर उसके बाद सायरा मैडम रिटायर हो गई। फिर उसके बाद 2000 में लास्ट जो टीचर रिटायर हुई अक्षरा मैडम, यहाँ से रिटायर हो गई। उसके बाद मेरे पास में एक 2000 से एक अनुदेशक था, जो जब मैं छुट्टी लेती थी वो एक अनुदेशक कला वर्ग की थी, वो सिर्फ कला ही सब्जेक्ट पढ़ाती थी। सभी को मैं हैंडल, सभी के बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी थी, मगर उसका भी पिछले साल 2023 अगस्त को मैंने उसे भी रिलीव कर दिया, वहाँ के काशीरामपुर चली गई। अब पिछले साल से मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मैं छुट्टी भी नहीं लेती। मेरी अभी तक मैंने मेरी जिठानी यहाँ पे मंडावली में अध्यापिका थी, उनकी डेथ हुई, उनकी बड़ी मुश्किल में मुझे 2 छुट्टियाँ तब मिली और मेरी सिर्फ 3 CL चढ़ी हुई है। पूरा टाइम मैं
जैसे भी कर दी, मेरे बच्चे बीमार रहते हैं या कुछ भी रहते हैं, मैं अपने बच्ची को भी साथ में, अभी भी आज भी मैं अपने बच्ची की दवाई साथ में लेके, उसे अपने साथ में लेके स्कूल में आई हूँ। और बच्चों को, उनको कक्षा 8 की बड़ी लड़कियाँ होती हैं, उन्हें छोटे क्लास में उन्हें बता के कि ऐसे पढ़ लो, ये काम कर लो, उसके बाद में 7-6 क्लास में उन्हें डिक्टेशन पढ़ाने की। मैडम, टोटल जो स्टूडेंट है विद्यालय के अंदर, वो कितने स्टूडेंट है? यहाँ पे 120 लगभग है और 117 का यहाँ पंजीकरण है। 3 छात्र मैंने, जिन जो बच्चे बहुत ही गरीब हैं और वो कह रहे हैं कि हम और किसी स्कूल में एडमिशन नहीं करा सकते और टाइम भी लेट भी हो गया, अब अगर अक्टूबर आ गया, अब आए मेरे पास, मैंने उन्हें बिठा लिया कि तुम पढ़ लो, अगर तुम कवर कर लिया 6 क्लास तो आपका एडमिशन में 7 क्लास में टाइम से। मैडम, जैसा आप बता रही है हमें कि 120 विद्यार्थी है यहाँ पर, तो उनकी पिछले 2 सालों से कैसे पढ़ाई हो पा रही है, कैसे आप मैनेज कर पा रही है, वो भी बताइए। कक्षा 8 की बड़ी लड़कियां हैं, उन्हें समझा के, उन्हें पढ़ा के पहले उन्हें बता देती हूँ, और 6 क्लास में मैं नकल करने के लिए देती हूँ, क्योंकि वो बाहर से बच्चे आते हैं, वो उन्हें कमी पढ़ते पाते हैं, वो लिख लेते हैं, फिर 8 क्लास की उन्हें पढ़ाने के लिए भेज देती हूँ, मैं 7 क्लास में पढ़ाने आ जाती हूँ, फिर 7 क्लास को बता के मैं फिर 6 क्लास में आ जाती हूँ, फिर उनका काम चेक करके जो कराते हैं वो चेक करते हैं। मैडम, आज से पहले आपने किसी को एप्लीकेशन या इसकी सूचना आपको किस किस अधिकारी को कहाँ तक पहुँचाई है? मैं पिछले साल यहाँ BSO ऑफिस गई थी और CDO साहब मुझे मिले नहीं थे, उस टाइम उठ गए थे, फिर BSO साहब के पास गई थी कि मेरा जो मेरे पास अनुदेशक थी उनका ट्रांसफ़र कर दिया आपने, तो उन्होंने कह दिया कि उसे जाने दो, कुछ ही दिन में आपके स्कूल में व्यवस्थित अध्यापिका का। यानी आपका कहने का मतलब ये है कि अभी तक कोई भी आपकी जो सूचना दी गई थी उस सूचना पे कोई भी अभी कार्य नहीं किया गया है? अभी कोई उस पे कार्य नहीं किया। तो अब आप क्या चाहती हैं, कितने अध्यापक को जो है अपने विद्यालय में आप जो बुलाने की मांग है वो कितने अध्यापकों की? विद्यालय में तो ये नियम तो ये है कि सब्जेक्ट वाइज सभी अध्यापक की नियुक्ति होनी चाहिए, मगर कम से कम अध्यापक एक क्लास में एक होना अनिवार्य रूप से है, जो कंप्यूटर कला वगैरह के लिए है उसके लिए अनुदेशक की भी व्यवस्था ज़रूरी होनी चाहिए। मैडम, अभी हमने आपके जो विद्यालय के टॉयलेट वगैरह देखे हैं उसकी भी बहुत ही बुरा हाल हुआ पड़ा है, उसके बारे में आप क्या, सफाई कर्मचारी नहीं आता यहाँ पर या इसकी? आपका क्या नाम है? शायदा जी, क्या परेशानी है? हमारे बच्चे पढ़ते हैं लेकिन ये स्कूल में बच्चे, मैडम है नहीं, दूसरी एक मैम है, उनसे इतना कवर नहीं हो पा रहा, हम गरीब आदमी हैं, अब हम कहाँ पढ़ाएं, यहाँ पढ़ाई हो रही लेकिन सही नहीं हो रही, मैम नहीं आ रही है, एक मैम है, वो ये बेचारी कैसे कर लेंगे। यहाँ कितने साल से पढ़ रहे हैं आपके बच्चे यहाँ पर? बच्चे 2 साल से पढ़ रहे हैं। 2 साल से कितने टीचर नहीं है यहाँ पर, कब से टीचर नहीं है? यहाँ तो 2 साल हो गया, टीचर आई नहीं, कोई एक टीचर है बेचारी, मैं कैसे कर लेंगे, उसे कवर नहीं हो पा रही है। मतलब 2 साल से कोई टीचर ही नहीं है यहाँ पर, एक टीचर के अलावा? जी नहीं, अब हम गरीब आदमी हैं, कहाँ जाएँ, हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है, तो हम बाहर कहीं और किसी स्कूल में पढ़ा लें। तो कितने बच्चे आपके यहाँ पर पढ़ते हैं? मेरे बच्चे 4 पढ़ते हैं, 3 बच्चे पढ़ते हैं। कौन कौन सी क्लास में है? छठी क्लास में, एक बेटी है, 3 बेटी। तो अब आप क्या चाह रही हैं कि यहाँ पर? चाह रहे हैं कि यहाँ टीचर आनी चाहिए स्कूल के अंदर और यहाँ थोड़ी बच्चों की पढ़ाई सही होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? कितने बच्चे पढ़ते हैं आपके स्कूल में? क्या शिकायत है? शिकायत है मैम नहीं है स्कूल में कोई भी। कितने टाइम से नहीं है? 3 बच्चों को यहाँ पे पढ़ते पढ़ते। कौन सी क्लास में पढ़ता है आपका बच्चा? एक क्लास में है लड़की, दूसरी 6 क्लास में। कब से नहीं है यहाँ पर टीचर? 3 साल हो गए टीचर को, बस मैम है अकेली, प्रिंसिपल मैडम वही पढ़ा रही हूँ अकेली, कहाँ तक कवर करेंगे। आपका कितने बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर? यहाँ पर एक लड़का पढ़ता है। कौन सी क्लास में है? तो आज आपने ये एप्लीकेशन दी है तो वो किस विषय पर दी है? अच्छे से बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं और मैडम अकेली है, एक मैडम कैसे कवर करेगी, उसको ज़रा एक दो मैडम होंगी तो बच्चे कवर कर हो जाएंगे, वरना नहीं होंगे तो लड़का बच्चे पढ़ नहीं सकते यहाँ पर अच्छे से। कितने टाइम से यहाँ पर जो है टीचर नहीं है? कई साल, 2 साल से मैडम नहीं है। 2 साल से कोई भी मैडम नहीं है? बच्चे की पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? ऐसी चल रही है, जब बच्चे पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे, जब मैडम नहीं है तो बच्चे ध्यान कैसे देंगे, जब बच्चे मैडम ध्यान देंगे तो बच्चा पढ़ कर देगा, और जब बच्चे नहीं पढ़ने तो आगे कैसे चलेंगे। क्या नाम है आपका, क्या परेशानी है? यहाँ पे तो टीचर नहीं है, ये अकेली टीचर है और ये 2 साल से अकेली पढ़ा रहे हैं, तो वही चाहती हूँ यहाँ पे टीचर आनी चाहिए,
बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह कर रहे हैं और उससे मतलब जब हम पढ़ाई अच्छी नहीं होगी तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे ठीक से। काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पे, 2 साल हो गए, कोई टीचर नहीं है इनके अलावा। 2 साल से कोई टीचर नहीं है यहाँ पर? मैं 2 साल से कंटिन्यू यही पढ़ा रही हूँ। एक ही टीचर पढ़ा रही है? चलो हमारे साथ दानिश शेख है जो भीम आर्मी पार्टी से मंडल महासचिव भी है, अब हम इनसे जानकारी लेंगे विद्यालय का क्या हाल है। ये जो है सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहते हैं दानिश भाई जी। ये जो विद्यालय के हाल हुआ पड़ा है, अध्यापक नहीं है पिछले 2 सालों से, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? साकिब भाई, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने कम से कम यहाँ स्कूल पर चल के यहीं दशा देख रहे कर दिया, आपका बहुत आभारी हूँ। मैं लगभग 2 साल से स्कूल में आने जाना मेरा लगा हुआ है किसी न किसी रीज़न से, तो मैडम कोई परेशानी बता देती तो मैं जितना मुझसे हो पाता है मैं सहयोग कर लेता हूँ। जैसे मैडम ने अभी कुछ दिन पहले मुझे अवगत कराया कि यहाँ पानी की समस्या चल रही है, यहाँ मोहल्ले वाले जो भी है बाहर वो खेलने आते हैं, बंद दीवार छुट्टी होने की वजह से बाहर आ जाते हैं और दीवार कूद करके आके सारे तकमान को चले जाते हैं। यहाँ पानी की व्यवस्था सही नहीं है, सफाई सही नहीं है, यहाँ की बिल्डिंग जो है वो जर्जर हुई पड़ी है पूरी, जिसकी कंप्लेन मैंने लगभग 2022 में नगर पालिका के जो अधिकारी थे हरि नारायण पटेल उनसे भी की थी, सर नब्बा भी लिया गया था, पता नहीं क्या रीज़न रहा जिस वजह से ये बन नहीं पाई है, जो भी रीज़न रहा और लगा नहीं। बस मैं सोचता हूँ अब मैं नया मैडम ने मुझे बताया, उस टाइम मैंने देखा था एक टीचर थी बाहर की अनुदेशक आई हुई थी, पता इतना वो नहीं था। जब 2023 से 24 खत्म होने आ गया, अभी तक कोई टीचर इसमें नहीं है और मैडम अकेले यहाँ पढ़ाई करा रही है। तीन तो क्लास है 6, 7, 8 जिसमें बच्चे पढ़ते हैं और सबसे पहली बार हमारे देश की बेटियाँ यहाँ पढ़ती जलालाबाद, पूरे जलालाबाद में 19,000 पॉपुलेशन होने के बीच बाद में यहाँ सरकारी स्कूल है एक, उसमें भी टीचर पढ़ाने के लिए नहीं है। अब ये बढ़कर एक लिए मैडम करेंगे, साथ में कंप्यूटर कट होने के बाद 4 क्लास में टीचर छोड़ने लगी। ये मैंने कंप्लेन सबसे पहले DM ऑफिस में ली, फिर अब BS ऑफिस में उसको फ़ोन किया, बी सर को बात किया, उन्होंने कोई आश्वासन सही नहीं दिया। फिर ब्लॉक अध्यक्ष जो यहाँ के होते हैं ब्लॉक अधिकारी शिक्षा ने लेकर के उनसे अवगत कराया, उन्होंने कोई आश्वासन सही नहीं दिया। तब जाके मैंने भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को अवगत कराया, परसों रात 2 बजे के करीब उनका मैसेज मेरे पास में आया, उन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया, साथ में उन्होंने BSF से बात करने के लिए भी कहा, शायद पूर्व के जिस करके मालूम पड़ा है कि उसमें कोई इंशाल्लाह ज़रूर होगा और शायद आपका सहयोग रहा तो काम जल्दी ही। अच्छा, विद्यालय में अभी कुछ पानी की व्यवस्था नहीं थी, वो आपने कराई, वो अपने निजी खर्च पे कराई? बस मैंने तो मेहनत की है, बाकी सब मैडम का सहयोग रहा है, इसमें जितना मुझसे हो पाता है मैं बराबर से मैडम के साथ सहयोग मिला है। मैडम है अकेले, अभी यहाँ के लिए स्कूल देखे ऑफिस देखे, मैं भाई बहन बहन मानता हूँ मैडम को, इस करके मैं यहाँ जाता हूँ मैडम को सीखने। तो अब आप क्या चाहते हैं, कितने जो अध्यापक हो वो यहाँ पर हो विद्यालय के अंदर? जैसे अभी गवर्नमेंट ने नियुक्ति रोक रखी है, नई नियुक्ति नहीं हो पा रही है, पर किसी न किसी स्कूल में बहुत सारे लोकल के हमारे स्कूल ऐसे हैं बनेड़े की व्यवस्था की जैसे सही हो जाए, या जैसे हमारा करड़ी है, करड़ी में हमारे 5 एक स्कूल है नगर पालिका यहाँ ग्राम समाज में बना हुआ, उसमें 3 क्लास में 5-6 टीचर हो रहे हैं पर हमारे यहाँ 4 क्लास में 1 टीचर नहीं हो रहे, बड़े सोचने जनक बात है, इस पर विचार करना चाहिए। अगर किसी वजह से यहाँ टीचर की नियुक्ति नहीं हो पा रहे तो ठेके से अनुदेशक बने जाते हैं, तो उन्हें अनुदेशक 4 अनुदेशक यहाँ होने चाहिए, आर्ट का हो, हिंदी का हो, मैथ का हो, जो भी है क्लास वाइज को हो, जितनी क्लास हो उतने टीचर हो जाए ताकि सारा काम सही भाई चल सके। एक हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो बिल्कुल अंधकार की तरफ जा रहा है, ऐसा कोई नारा खोखला होता जा रहा है। मैं सभी पदाधिकारियों जिम्मेदार जो इसके प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस स्कूल की तरफ भी ध्यान दें और इसका बिल्डिंग पर भी ध्यान दें, इसका स्ट्रक्चर इतना ख़राब हो चुका है कि पता नहीं कभी लिंटर बच्चों के ऊपर गिर जाए, इसका देना उसका जिम्मेदार कौन होगा, लाना करिए गिर जाए तो बच्चे की चोट लगा या कोई हादसा हो जाए तो क्या होगा। अच्छा, आप बता रहे थे कि एक नगर पालिका जलालाबाद द्वारा यहाँ पर शौचालय बनाया गया था, उसके बारे में? और भैया आपने देखा ही है, मेरे से पहले तो आप यहाँ पर आ गए हैं, आपने खुद ने देखा है नगर पंचायत द्वारा क्या शौचालय बनाया है जो कि पूर्ण रूप चलाया नहीं है, यानी कि आप कहना चाहते हैं कि उसको अधूरे में ही छोड़ दिया गया? बिल्कुल अधूरा है, आप देख सकते हैं, आपने वीडियो वगैरह जो भी आपने ली है मेरे सामने भी सभी देख रहे हैं, इसमें मैं साफ बात है दिख रहा है, मेरे टंकी दिखाई तो भैया पर पानी सुंदर नहीं है। क्या आप भी इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने का सोच रहे हैं? तो राज ऑटो मोबाइल्स नजीबाबाद आपके लिए लाए हैं एकदम धमाकेदार ऑफर, केवल 39,500 में 1 साल की वारंटी के साथ जो एक चार्जिंग में 60 किलोमीटर चलती है। बुकिंग ऑफर 25 जुलाई से 25 अगस्त तक रहेगा,
डिलीवरी 4 सितंबर से शुरू हो जाएगी जो कि दिवाली तक रहेगी। ये ऑफर केवल 100 स्कूटर की बुकिंग पर होगा। अगर आपको भी कम दाम में मजबूत स्कूटर चाहिए तो आज ही बुकिंग करें। कॉल करें 7078820077। से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।